हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे एक और एसएमई आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अभी है ना एसएमई आईपीओ की तो बरसात हो रही है, क्योंकि बैक टू बैक मतलब हर सप्ताह तीन चार आईपीओ आ रहे हैं कम से कम भी। तो ये जो है एफएमसीजी सेक्टर का आईपीओ है, तो एफएमसीजी का आईपीओ बहुत टाइम बाद आया अभी इस टाइम पे। तो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या इसका प्राइस है, कितना आपको शेयर्स इसमें अलॉट होंगे, इसमें अगर आते हैं तो आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितने इस पर अच्छाई वो पॉजिटिव नेगेटिव बातें इसमें, वो इस बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कब से ओपन होने वाला है। ये 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और 19 सितंबर तक आपको इसमें मौका मिलेगा आपको अगर आईपीओ लगाना है तो। क्योंकि इसमें होता है कि नॉर्मली 4-5 दिन का इसमें होता है टाइम पीरियड, जैसे 15 से लेकर आपने 19 तक हो गया इसमें। और इसमें प्राइस बैंड क्या रखा है इसमें 68-70 का। नॉर्मली वैसे क्या होता है इसमें हर बार एक फिक्स प्राइस बैंड होता है, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें इस तरीके प्राइस बैंड रखा है। तो अगर आपको शेयर में वाकई चाहिए शेयर इसमें अलॉटमेंट चाहिए, तो आपको जो 70 वाली प्राइस बैंड है उसी पे लगाना चाहिए, जो कट ऑफ प्राइस होती है हाई वाली। उसमें आपको इसमें कितने शेयर्स अलॉट होंगे वो है 2000 शेयर्स। तो आपको जो लोट आएगा वो 2000 शेयर्स का आएगा यहाँ पे। अब इसमें एक चीज़ हो रही है, रिटेल कोटा जो रखा गया है यहाँ पे 35% का, मतलब अगर 100 शेयर मिलने मार्केट में आने तो 35% उसमें से मार्केट में आएंगे रिटेल को, बाकी सब अलग जाएंगे उसमें हाई नेटवर्थ वगैरह को। तो वो सब चीज़ होगी। NSE SME का आईपीओ है यहाँ पे। ये इसमें जो आईपीओ लिस्टिंग डेट है वो है 27 सितंबर की। अलॉटमेंट अगर आपको आता है तो वो है 22 सितंबर तक आपको पता पड़ जाएगा। रिफंड आपको अगर मिलना है उसमें, अलॉटमेंट नहीं होएगा तो वो एक दिन बाद तक मिल जाता है नॉर्मली। इसमें जो आईपीओ की साइज़ है वो है 30.25 करोड़ की। तो नॉर्मली आपको ये देखेंगे 10-15-20-50 करोड़ की साइज़ होती है एसएमई आईपीओ। एसएमई क्या होते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये छोटे ही मिलेंगे आपको इस तरीके के, इसलिए इसमें रिस्क भी इतनी होती है। प्रॉफिट अगर दिखता है तो दोनों चीज़ें इक्वल चलती हैं यहाँ पे। आपको प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है तो रिस्क भी उतनी अकॉर्डिंग चलेगी यहाँ पे। तो आपको चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि एक चीज़ के बारे में, वो है प्रमोटर होल्डिंग का। प्रमोटर होल्डिंग का मेन चीज़ क्या है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। जितनी हाईएस्ट वो होगी ना, मतलब समझो कि प्रमोटर जितने ज़्यादा होंगे उसमें, मतलब उनके बिजनेस में उनका ट्रस्ट कितना ज़्यादा है। तो यहाँ वो आपको चीज़ देखनी है। अगर आपको देखो 50% से ऊपर की अच्छी मानी जाती है, पर वो चीज़ जितनी ज़्यादा मिले ना वो अच्छा है आपको। जिसमें आपको प्रमोटर होल्डिंग कम मिले ना, वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए उन बिजनेस में। तो वो ध्यान रखना चाहिए चीज़ें यहाँ पे सफिशियंट है इसमें। जैसे 70% की पहले है, अभी 51% की रहेगी, तो अच्छी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम आता है कि देखो वो भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं थोड़ा सा, एक उसमें से अपनी अर्निंग के लिए कुछ प्लान करते हैं, या फिर उस बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए कहना कि उसमें से अपना स्टेक बेचते हैं। तो कई रीज़न होते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के, उसमें अपना स्टेक कम करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हमेशा नेगेटिव हो उस चीज़ को लेके। तो आपको ध्यान रखना है कि उस पैसे को अगर वो निकाल रहे हैं प्रमोटर, तो उसको यूटिलाइज कहाँ पे कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंशन में कर रहे हैं, उसकी कंपनी की ग्रोथ में कर रहे हैं, वो सब चीज़ें ध्यान देनी जरूरत है मेन चीज़। तो अब ये हमने बात कर ली, उसमें आपको एक लोड के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, वो है 140,000 रुपये का। तो अमाउंट बड़ा है इसमें, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ये चीज़ है ना, कभी भी एसएमई में ये मत करिए कि कोई ओल्ड लगा रहा है तो मैं भी लगाऊं, वो इतना प्रॉफिट उसको मिल सकता है तो मैं भी चीज़ें करूं। कभी इसमें कॉपी केट करने वाली चीज़ें काम नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको इन चीज़ों में। आपको देखना है आप एक्चुअल में लगा पाते हो, लगा सकते हो, आपका इतना अगर बाई चांस नेगेटिव खुलता है, इतना आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो आप लगाओ। शेयर मार्केट में देखा देखी वाला काम करोगे तो नुकसान में रहोगे। आपको जितना आपको बजट में आपके अकॉर्डिंग लगता है, जितना आपका पॉकेट आपको अलाउ करती है, उतना ही आपको काम करना चाहिए इस चीज़ में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप ट्रेडिंग करें, आईपीओ लगाएं, कुछ भी करें एक्सपायर्ड इस चीज़ में, शेयर मार्केट में जब भी आप देखा देखी चक्कर में जाएंगे, आप हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, इधर उधर से पैसा लेंगे, और वो हमेशा हार्मफुल रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि कितने लोग इस चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस खा लेते हैं, वो दिक्कत होती है। अब इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो एफएमसीजी का सेक्टर है इसमें। मेन इन्होंने क्या है, 5 मतलब स्टेट में एरिया कवर कर रखा है, वो है मेन आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा। तो अब इन चीज़ों का क्या है ना, ये चीज़ें ऐसी है जैसे केक बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कोई टॉफ़ी बनाते हैं 1-1 रुपये वाली, इस तरह की 5 रुपये वाले चिप्स के पैकेट हो गए। तो ये लोग क्या होता है ना, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप छोटी छोटी दुकान पे ये चीज़ें हर जगह से आता है। अगर इन्होंने मार्केट अच्छा कैप्चर कर रखा है ना, तो इनकी सेल्स भी अकॉर्डिंग बढ़िया हुई है यहाँ पे, तो वो चीज़ों का इंपैक्ट पड़ता है। और 5-10 रुपये की चीज़ें खरीदने में आदमी को ज़्यादा सोचता नहीं है, अगर उनको थोड़ा सा सही चीज़ मिल रही है 5-10 रुपये में, क्वालिटी और क्वान्टिटी मिल रही है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा कोई भी वो। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, इसमें केक वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं मेन इसमें, तो बहुत सारी वेरायटी इनके पास काफ़ी अच्छी है। एरिया अच्छा कवर कर रखा है, 5 स्टेट अगर कवर कर रखे हैं और उसमें बिजनेस सबका है ना, तो 5 स्टेट बहुत होते हैं अगर एक अच्छा मार्केट चलाने के लिए। वो धीरे धीरे एक्सपेंशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ही आगे एक्सपेंड करेंगे। तो ये चीज़ अच्छी इसमें चीज़ है। पैकेट इनका देखा जाए तो 12 लाख की इनकी पर डे की सेल है इनकी, मतलब 12 लाख से ज़्यादा की, तो वो काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका। एक्सपेंशन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं इनके पास में, आप वो चीज़ देखिए मेन। तो FSSAI से रजिस्टर्ड है यहाँ पर कंपनी, वो चीज़ें भी हैं मेन इनकी, वो देखना अच्छा चीज़ें होती है। स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे, रॉ मटेरियल इनको इजीली अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे, लेबर सस्ती है। आप देखेंगे बिहार झारखंड साइड में, उस साइड में थोड़ी लेबर सस्ती है, बिहार वगैरह फ़र्क पड़ता है चीज़ों में उस साइड। तो अगर आपको लेबर सस्ती मिल रही है, तो आपको उसमें आपको
ये देखिए मार्जिन अच्छा निकल जाएगा, आपकी कॉस्ट कम लगेगी वहाँ पे, रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो रहा है, उसकी दिक्कत नहीं आती। सबसे मेन चीज़ें होती है ज़रूरत की चीज़ें। आपको एक बिजनेस चालू कर रहे हैं उसमें आपको इनपुट के लिए जो चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो सर्विस कितनी ईजिली मिल रही है आपको वहाँ पर, वो चीज़ ज़रूरत होती है, वही आपका प्रॉफिट और मार्जिन को डिसाइड करेगा। ब्रांड की इमेज वहाँ पर अगर 5 स्टेट में अगर अच्छी है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, मेंटेन कर सकते हैं वहाँ पे, ये फ़र्क पड़ता है चीज़ों में। FMCG सेक्टर का है, करीबन 2013 से ये मार्केट में है, तो इनको एक्सपीरियंस भी आराम से 8-9 साल का, तो वो चीज़ भी अच्छी है इनके लिए। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स में क्या देखा जाए तो आप इसमें इनकी इनकम, एसेट, प्रॉफिट वगैरह कंटिन्यू बढ़ा है। 2020 से आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। 2020 में था 435 उसमें लाख में है ये सारा, तो वो मल्टीप्लाई कितना अच्छा हुआ देखिए, अब डबल ट्रिपल होता जा रहा है मतलब इसमें। तो सेल्स में तो इम्प्रूवमेंट है इनके, प्रॉफिट में भी इम्प्रूवमेंट है, सब चीज़ों में कंसिस्टेंसी है, तो आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। इसमें आप लास्ट डे तक थोड़ा सा वेट करिए, सब्सक्रिप्शन कितने आते हैं उस अकॉर्डिंग प्लान करिए। आप रिटेलर में देखना और दोनों कैटेगरी में देखना, NIA कैटेगरी में अगर सब्सक्रिप्शन अच्छे आते हैं तो आप प्लान करिए, अगर उसमें सब्सक्रिप्शन कम आते हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि और भी IPO रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं, तो दूसरे ऑप्शन भी मार्केट में अवेलेबल है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।